देखिए, मुझे लगता है कि ये जो महामारी है, इससे बचने के लिए हमें 6P के फार्मूले पे काम करना चाहिए। ये 6P का फार्मूला क्या है, मैं आपको डिफाइन करता हूं। देखिए, पहला पी है पैनिक। पैनिक को हमको नो बोलना है। आप देखिए, पूरे जब अखबार पढ़ रहे हैं तो आपको पूरी दुनिया से खबरें आ रही होंगी कि ब्रिटेन में बहुत ज्यादा पैनिक हार्ट अटैक हो रहे हैं, पैनिक बाइंग हो रही है, पैनिक की वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान है। तो पहले तो हम सबको ये तय करना है कि इसको लेके हम किसी तरह का पैनिक क्रिएट ना होने दें, ना घर में, ना समाज में, ना दोस्तों के बीच में, ना रिश्तेदारों के बीच में। किसी भी तरह से हम पैनिक को खड़ा ना होने दें। यानी पहले पी पैनिक, पैनिक को नो बोलना है। दूसरा, पैनिक को नो बोलने के साथ ही हमें प्रिकॉशन पे पूरा ध्यान देना है। जो भी प्रिकॉशन डॉक्टर्स बोल रहे हैं, सरकार बोल रही है, उन सबको हमको फॉलो करना है। तीसरा पी हमारा है फिजिकल डिस्टेंस। फिजिकल डिस्टेंस हमको जरूर 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 रखना ही है। इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। आप बाहर बाजार जा रहे हैं, कहीं ऑफिस जा रहे हैं, लेकिन फिजिकल डिस्टेंस वाला फार्मूला आपके दिमाग में पूरी तरह बैठा होना चाहिए। तीसरा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। बिना धैर्य के इस महामारी से लड़ाई नहीं लड़ी जा पाएगी। और चौथा पी, जो इस इन तीनों पी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है पॉजिटिविटी, सकारात्मकता। आपको अपना सोच बहुत ही सकारात्मक रखना पड़ेगा, तब आप जाके इस महामारी से लड़ पाएंगे। लेकिन इन 5 P के सिवा एक P और है, जो आपके अपने लिए है, आपके अपने समाज के लिए है, आपके अपने देश के लिए है। और वो पी है उन लोगों के लिए जो इस समय मैदान में डटे हुए हैं, वो चाहे डॉक्टर्स हों, नर्सेस हों, पुलिस वाले हों, सफाई कर्मचारी हों, या जो हमारी डे टू डे के लिए हमारा काम कर रहे हैं, हमारी सेवा दे रहे हैं, हमको सेवा सर्विस दे रहे हैं अपनी, उन सब के लिए। और वो है प्रेयर। उनके लिए प्रार्थना जरूर कीजिए कि वो लोग स्वस्थ रहें और अच्छा काम करते रहें। मुझे लगता है कि अगर हम इस 6P फॉर्मूले पे काम करेंगे तो इस जंग को हम निश्चित तौर पे जीत पाएंगे। और यकीन मानिए आप, आखिर में सब शुभ होगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।